हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है ओजोन की भौतिक और रासायनिक गुण। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि ये पूरी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि हम बात करें पिछली वीडियोज की, तो पिछली वीडियो में हमने ओजोन के विरचन को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ओजोन का अस्थायित्व ऑक्सीजन से कम क्यों है, और इस तथ्य को हम लोगों ने ऊष्मा गतिकी के आधार पर एक्सप्लेन किया था। यदि आपने इन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो के लिंक मिलेंगे, जहां से आप पिछली दोनों वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे ओजोन के भौतिक गुणों की, और उसके बाद हम समझेंगे ओजोन के रासायनिक गुणों को। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं ओजोन के भौतिक गुण। भौतिक गुणों को हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट वन लेते हैं, यह हल्के नीले रंग की अरुचिकर गंध वाली गैस है। अरुचिकर गंध का अर्थ यहां पर है मछली जैसी गंध की। ध्यान रखें कि ओजोन का गैस का जो रंग होता है वो होता है हल्का नीला। आगे देखते हैं, यह ठंडा करने पर पहले गहरे नीले रंग के द्रव में तथा बाद में बैंगनी काले रंग के ठोस में परिवर्तित होती है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि यदि ओजोन की गैस अवस्था में रंग की बात करें तो हल्का नीला होगा, द्रव ओजोन का रंग हो जाता है गहरा नीला, और ठोस ओजोन का रंग हो जाता है बैंगनी काला। अब क्वेश्चन है, ऐसा क्यों, रंग बदल क्यों जाता है? तो ये बदल जाता है घनत्व के कारण। आप जानते हैं कि गैस अवस्था में घनत्व सबसे कम होगा, यानी ओजोन के अणु काफी दूर दूर रहेंगे, और इनके दूर दूर होने की वजह से इनका रंग हल्का नीला दिखता है। लेकिन जब ये अणु द्रव अवस्था में पास पास आ जाएंगे तो रंग जो होगा वो थोड़ा ज्यादा डार्क हो जाएगा, यानी कि गहरे नीले रंग की दिखाई देगी। और ठोस अवस्था में घनत्व और अधिक हो जाएगा, अणु और अधिक पास आ जाएंगे, इस अवस्था में ओजोन का रंग बैंगनी, या आप कह सकते हैं बैंगनी काला हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं डार्क बैंगनी हो जाएगा। क्लियर बात है। अगले पॉइंट को देखते हैं, यह जल में अल्प विलेय है। आप जानते हैं कि ओजोन का सूत्र O3 होता है और यह अध्रुवी पदार्थ है। जल ध्रुवी विलायक होता है, और आपने पढ़ा है कि अध्रुवी पदार्थ ध्रुवी विलायकों में प्रायः अल्प विलेय ही होते हैं, तो इसलिए ओजोन जल में अल्प विलेय है। बात क्लियर हो गई होगी आपको। अगले पॉइंट को देखिए, शुद्ध ओजोन अत्यंत विस्फोटक गैस है। इस बात को हम समझते हैं, आपने एक अभिक्रिया देखी है कि ओजोन जो है ऑक्सीजन में परिवर्तित होती है, तो यह अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन यह है कि ओजोन ऑक्सीजन में क्यों परिवर्तित होती है? तो आप जानते हैं ओजोन का स्थायित्व कम है, ऑक्सीजन का स्थायित्व ज्यादा है, इसलिए ओजोन बहुत तेजी से ऑक्सीजन में परिवर्तित होती है। यदि और ज्यादा डिटेल में इस पॉइंट को आप समझना चाहें तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जहां पे हमने ओजोन और ऑक्सीजन के स्थायित्व की तुलना की थी। अब आप सोचें कि यदि ओजोन ऑक्सीजन में अचानक से परिवर्तित हो रही है और साथ ही अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, तो कहीं पर यदि हम शुद्ध ओजोन को रख दें तो वो अचानक से ऑक्सीजन में परिवर्तित होगी, और अचानक से ऑक्सीजन में परिवर्तन के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, जो एक विस्फोट के समान है। इस आधार पर हम कहेंगे कि शुद्ध ओजोन अत्यंत विस्फोटक गैस है। क्लियर है। तो ये थे ओजोन के भौतिक गुण। अब हम बात करेंगे ओजोन के रासायनिक गुणों की। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं ओजोन के रासायनिक गुण। ओजोन अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देती है, अतः यह प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करती है। दोस्तों, नवजात ऑक्सीजन का अर्थ होता है ऑक्सीजन परमाणु। तो ओजोन की जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो इसीलिए होती हैं क्योंकि ओजोन ऑक्सीजन परमाणु बनाती है। कैसे बनाती है इसकी अभिक्रिया को देखिए। तो O3 यानी ओजोन है, यह डाइऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणु में अपघटित होती है, और यह ऑक्सीजन परमाणु बहुत ही सक्रिय है, अतः यह अन्य पदार्थों से क्रिया करके उनका ऑक्सीकरण कराता है, और इस आधार पर हम कहते हैं कि ओजोन जो है प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करेगी। क्लियर है। थोड़ा और क्लियर हो जाएगा जब आप उदाहरणों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं उदाहरण। उदाहरण नंबर एक, ओजोन सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीकृत करती है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ओजोन सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीकृत करती है।
यदि हम अपनी एनसीईआरटी की इक्वेशन को लें तो यहाँ पे इक्वेशन लिखा गया है कि पीबीएस यानी लेड सल्फाइड इसकी ओजोन से क्रिया कराते हैं तो ये लेड सल्फेट में परिवर्तित होता है और साथ ही ऑक्सीजन गैस भी बनती है। यदि यहाँ पर हम सल्फर की ऑक्सीकरण संख्याओं को देखें तो देखिए रिएक्टेंट साइड में इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 और प्रोडक्ट साइड में है +6। आप देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है यानी कि सल्फाइड जो है इसका सल्फेट में ऑक्सीकरण हो रहा है और यह ऑक्सीकरण करा कौन रहा है? ओजोन। आप चाहें तो इस अभिक्रिया को सीधे याद रख सकते हैं लेकिन अभी मैं जो आपको समझाने वाला हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिससे ये अभिक्रिया आपको एकदम माइंड में सेट हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि ये अभिक्रिया होती कैसे है। तो इस अभिक्रिया के दौरान सर्वप्रथम क्या होगा, ओजोन का अपघटन होता है जिससे ये नवजात ऑक्सीजन बनती है। आप जानते हैं नवजात ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन परमाणु ये बहुत अधिक क्रियाशील है। तो अगले स्टेप में क्या होगा कि पीबीएस जिसको आप लेड सल्फाइड कहते हैं इससे नवजात ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगी। जब नवजात ऑक्सीजन इससे जुड़ेगी तो लेड सल्फाइड में ऑक्सीजन जुड़ गया इसलिए ये लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आपने 4 ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ा है तो यहाँ पे हमने 4 को बैलेंस कर दिया है यहाँ पे 4 लगाकर। तो 4 ऑक्सीजन एटम लगे, 4 ऑक्सीजन एटम लेड सल्फाइड से जुड़ गए इसलिए लेड सल्फाइड लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ के ओवरऑल रिएक्शन हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम का यूज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एटम एक ही बना है तो इसको बैलेंस करने के लिए पहले हम इस अभिक्रिया में 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4O3 इक्वल टू 4O2 और +4 ऑक्सीजन एटम। नीचे वाली अभिक्रिया को ऐसे ही हम रहने देंगे, इसमें कोई गुणा नहीं करेंगे। अब इन अभिक्रियाओं को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे देखें 4 ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट है और यहाँ पर प्रोडक्ट है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इसको कैंसिल कर देते हैं और जो कुछ बचेगा वो बचेगा पीबीएस यानी लेड सल्फाइड, यहाँ से 4O3, यहाँ से आपको बचेगा लेड सल्फेट और ये देखिए 4O2 बचा है और इस आधार पे आपको ये एनसीईआरटी बुक का ये इक्वेशन मिल जाएगा। उम्मीद है कि बात आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आप ध्यान रखें कि यदि यहाँ पे लेड के जगह पे हम जिंक रखें या कॉपर रखें या फिर कोई और मेटल रखें तब भी इन स्टेप से आप उत्पाद को बना सकते हैं। क्लियर बात है? तो ये था ओजोन किस प्रकार से सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीकृत करती है। अब दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। देखिए इस अभिक्रिया को मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पर। दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं, ओजोन आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत करती है। आप अपने एनसीईआरटी बुक में जो इक्वेशन देखेंगे वो कुछ ये है, 2I-O3 +H2O इससे बना I2 +2OH- +O2। इस अभिक्रिया में यदि हम ऑक्सीकरण संख्या को देखें तो देखिए यहाँ पर आई जो है आयोडीन है जो -I- के रूप में है इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 है, यहाँ पे I2 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है। आप देख रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है अर्थात कि आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण हो रहा है और यह ऑक्सीकरण करा कौन रहा है? ओजोन। क्लियर है? फिर वही बात है कि आप चाहें तो रिएक्शन को सीधे याद रखें लेकिन मैं यहाँ पे आपको स्टेप में समझाता हूँ। उम्मीद है कि जो मैं समझाऊंगा वो आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओजोन का अपघटन कराएंगे। तो ओजोन अपघटित हुआ, डाई ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन बना। अब यह नवजात ऑक्सीजन ही I- से क्रिया करेगा। यहाँ पे हम I- को नहीं लेंगे बल्कि इसके साथ हम मान लीजिए किसी मेटल को रख देते हैं, पोटेशियम को रख देते हैं तो Ki के रूप में हो जाएगा तो ये -8 चार्ज जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे Ki जो है ये नवजात ऑक्सीजन से क्रिया किया। यहाँ पे जल की भी आवश्यकता पड़ी हमको तो 2Ki नवजात ऑक्सीजन यानी कि O +H2O इससे बना I2 +2KOH। अब इन दोनों अभिक्रियाओं को हम ऐड कर देंगे लेकिन ऐड करने से पहले थोड़ा और क्लियर करते हैं हम इस नीचे वाली अभिक्रिया को। तो देखिए एक्चुअल में ये अभिक्रिया कैसे हुई। तो सबसे पहले जो Ki था ये नवजात ऑक्सीजन से क्रिया किया। नवजात ऑक्सीजन ने क्या किया, इस I को I2 में कन्वर्ट कर दिया इसलिए यहाँ पे हमने 2 लगाया हुआ है और साथ ही जो नवजात ऑक्सीजन है ये I के स्थान पे आके जुड़ जाएगी क्योंकि यहाँ से I अलग हो रहा है तो इसका स्थान जो खाली होगा यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन आकर जुड़ गई तो KO बना। आप जानते हैं KO कोई यौगिक नहीं है तो इसको हम परिवर्तित करेंगे KOH में।
तो देखिए यहाँ पे हमने QOH लिख दिया। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन आपने यूज किया है, रिएक्टेंट साइड में तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में आवश्यकता अनुसार H प्लस OH माइनस या वाटर का हम यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन विधि तो कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे हम सीधा जल का यूज करेंगे। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन को लाने के लिए हम यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में जल लिख सकते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि अभिक्रियाएं अधिकांशतः जलीय विलयन में ही होती हैं, तो आप जल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जल लिखकर हमने अभिक्रिया को बैलेंस कर दिया है। तो देखिए 2KI इससे बना 2KI ऑक्सीजन एटम और प्लस H2 इससे बना I2 और प्लस यहाँ से बन रहा है 2KOH। आप देखें हाइड्रोजन यहाँ पे दो हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में दो हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे दो हैं, तो एक ऑक्सीजन परमाणु यहाँ, एक ऑक्सीजन परमाणु यहाँ, यानी कि अब यह अभिक्रिया संतुलित हो गई है और इसी अभिक्रिया को डायरेक्ट हमने यहाँ पर यूज किया है। उम्मीद है आपको अब ये क्लियर हो गई है। अब इन अभिक्रियाओं को हम ऐड कर सकते हैं, जो यहाँ पर हमने दो अभिक्रियाएं लिखी हैं इनको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए नवजात ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट की तरफ है, यहाँ प्रोडक्ट साइड में है, तो इसको आपस में कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन हमको मिल जाएगी 2KI प्लस O3 प्लस H2O और इससे बनेगा I2 प्लस 2KOH प्लस O2। क्लियर है? अब यहाँ पे यदि हम इस पोटेशियम को हटा दें तो हमको ये वाली अभिक्रिया मिल जाएगी। चलिए हटाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से यदि हमने पोटेशियम को हटा दिया तो ये 2I माइनस हो जाएगा, O3 है, H2O है, ये आयनिक होने वाले नहीं है इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। I2 भी आयनिक नहीं हो सकता है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ से पोटेशियम को अगर अलग कर दिया जाए तो यहाँ पे 2OH माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा O2, क्योंकि यह भी आयनित होने वाला नहीं है। और इस तरह से आप देखें आपको आपकी NCERT बुक की ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। उम्मीद है कि आपको अब ये इक्वेशन, अब ये समीकरण जो है वो याद रहेगा और आप आसानी से इसको एग्जाम में लिख पाएंगे। इसी प्रकार का, मतलब जो अभी हमने पढ़ा आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण, इसी प्रकार की एक और भी अभिक्रिया आपको देखने को मिल सकती है। और इस अभिक्रिया में देखें I माइनस है, मतलब 2I माइनस है, O3 है और इसे I2 और O2 तो बन रहा है, लेकिन जो जल है इस बार ये प्रोडक्ट की तरफ है, पिछली अभिक्रिया में वो रिएक्टेंट की तरफ था। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी, दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा। तो ऐसी भी अभिक्रिया हो सकती है और इसको कंप्लीट करने के लिए आपको इस बार किसी धातु को नहीं हाइड्रोजन को लगाना होगा। अभिक्रिया को कंप्लीट कराते हैं तो देखिए सबसे पहले ओजोन का अपघटन कराएं, इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे I माइनस को हटाने के लिए हाइड्रोजन को लगाया, यानी कि HI हो गया 2HI और इसका हमने नवजात ऑक्सीजन जो यहाँ पे ओजोन के अपघटन से बन रहा है इससे क्रिया कराया। ऑक्सीजन क्या करेगा, I को हटाएगा तो ये I2 बन जाएगा और इसके स्थान पर खुद आके जुड़ जाएगा, तो 2H और एक ऑक्सीजन जुड़ के H2O बन जाएंगे। अब इन दोनों अभिक्रियाओं को हम सीधा जोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन परमाणु हैं, इनकी जो नवजात ऑक्सीजन है इनकी संख्या पहले ही बराबर है, तो इसमें कोई गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, सीधा जोड़ देते हैं। तो ऑक्सीजन एटम आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक रिएक्टेंट की तरफ एक प्रोडक्ट की तरफ है और जो ओवरऑल रिएक्शन हमको मिलेगी वो मिलेगी यहाँ से 2HI, ये बचा O3, यहाँ से बचा I2 और ये बचा O2 और प्लस H2। अब यदि इसको आयनित समीकरण में लिखेंगे तो यहाँ से H हटाएंगे तो 2I माइनस हो जाएगा, O3 आयनित नहीं हो सकता है तो O3 ही रहने देंगे, I2 को I2 ही रहने देंगे, जल को जल ही रहने देंगे, O2 को O2 ही रहने देंगे। तो इस तरह से यह अभिक्रिया भी आपको प्राप्त हो सकती है। कोई भी अभिक्रिया हो इसके आधार पे, इसके स्थान पे कोई भी आपको आयोडाइड हो उसको आयोडीन में कन्वर्ट करना हो, सबके लिए जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्टेप्स हैं वो यही हैं। इसके आधार पे आप कोई भी अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में आयोडीन को आयोडाइड में ऑक्सीकृत कर सकते हैं जहाँ पे ओजोन ऑक्सीकारक का काम कर रहा हो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो से संबंधित अपने विचार को या किसी भी पॉइंट में किसी भी कंफ्यूजन को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर कोई कंफ्यूजन ना हो तब भी कुछ कमेंट में लिखें, जैसे कि सर बहुत अच्छा लगा या कुछ कमी लगी। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली टॉपिक में।